नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति भंडूला हाजिर हूँ लेकर हमारा खास शो हेल्थ मंत्रा, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर आजकल हर कोई परेशान रहता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गर्दन और पीठ दर्द के बारे में। अब आप इससे रिलेट कर ही गए होंगे क्योंकि आजकल छोटा हो या बड़ा हर कोई इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से हर कोई फेस कर रहा है और इसे लेकर हर कोई चिंतित भी रहता है। इसी को बताने के लिए और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट डॉक्टर जावेद अहमद। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उनसे हम जानेंगे, पहले तो उनके प्रोफेशन के बारे में, साथ ही उनसे जानेंगे इस समस्या के बारे में और इसे कैसे लोग क्योर कर सकते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं इनके डिपार्टमेंट के बारे में। मेरा जो MD हुआ है वो PMR बोलते हैं, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, जो अभी काफ़ी इमर्जिंग ब्रांच है पूरे UP में। अभी सिर्फ मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ही ऐसा है जिसमें ये अभी डिग्री मिल रही है। और इसमें जो है हम लोग मेनली वो पेशेंट देखते हैं जो जिनको पेन, जैसे जॉइंट पेन हो गया, शोल्डर पेन, नेक पेन, बैक पेन, सिर्फ वो पेन छोड़ के जिसमें जैसे हेड एक आता है, चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन छोड़ के बाकी बॉडी के कोई भी पार्ट का पेन हो उसको हम लोग देखते हैं। फिर देखते हैं हम लोग कोई भी पैरालिसिस होती है, पैरालिसिस मींस वीकनेस अगर कहीं होती है किसी हाथ में, पैर में, तो उसको कैसे रिहैबिलिटेट करना है वो हम लोग देखते हैं। या कोई डिफॉर्मिटी जैसे कोई कंजेनाइटल हो सकती है, मतलब पैदाइशी हो सकती है, किसी बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी है, और या फिर आगे चल के एक्वायर हो सकती है किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो उसको रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, पुनर्वास कैसे करना है, ये हमारे विभाग का काम होता है। तो ये आपने जाना इनके प्रोफेशन के बारे में, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगी, जो आपने चीज़ें बताई हैं गर्दन के दर्द और पीठ कमर के दर्द, ये सब वगैरह, ये आजकल लोगों हर किसी के अंदर ये नॉर्मली पाया जा रहा है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, तो कितने प्रतिशत लोग जो है वो इस चीज़ों से जो है वो सफ़र कर रहे हैं और कितने लोग इससे अवेयर है, कितने लोग नहीं है, क्या कुछ है इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक सर्वे है US का, उसके हिसाब से अगर बात करें तो करीब करीब 85% लोग अपने लाइफ में एक बार जरूर कमर दर्द की शिकायत करते हैं। और करीब 15% लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी समस्या इतनी गंभीर होती है कि वो उसकी वजह से उन्हें जो अपना रूटीन वर्क है वो नहीं कर पाते हैं और काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी दिक्कतों की वजह से अपने जॉब कभी कभी छोड़ना पड़ता है। और US का ही सर्वे ये कहता है कि 1% वर्किंग एडल्ट ऐसा होता है जिसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है सिर्फ कमर दर्द की वजह से, वो इतना डिसेबल्ड हो जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि जो कमर दर्द और गर्दन दर्द जिस वजह से लोगों को अपनी जॉब तक छोड़नी पड़ जाती है, तो क्या ये जो पेन है ये इतना ही सीवियर हर किसी के अंदर होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। करीब करीब 70% लोग ऐसे होते हैं कि वो ओवर द काउंटर ड्रग या किसी लोकल प्रैक्टिशनर से भी दवा लेके ठीक हो जाते हैं, कभी कभी अपने आप लोग ठीक हो जाते हैं, बहुत खास दिक्कत नहीं होती है। लेकिन करीब करीब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 15% लोग ऐसे हैं जिनको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, और उनमें से 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको कमर दर्द होती है और इतनी सीवियर होती है कि वो जॉब छोड़नी पड़ती है। किस तरह के लोगों, कितने परसेंट लोगों को ये इतनी सीवियर हो सकती है? इसी के साथ मैं ये भी जानना हूँ, कौन सी एज पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कौन सी एज पर आने पर जो ये पेन है वो सीवियर होता चला जाता है? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को इस तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्पाइन होती है जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो काफ़ी यंग होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, उनके मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो नॉर्मली उनको इस तरह की परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर उनको इस तरह की परेशानी होती है तो हम उसे रेड फ्लैग साइन बोलते हैं, जिसमें मतलब हमें काफ़ी गंभीर होकर उसको देखना होता है और किसी न किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना चाहिए इसमें। जैसा कि आपने बताया कि एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना चाहिए, लेकिन हम कैसे ये एनालाइज कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा पेन है वो सीवियर है और उस पर हमें किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी ही है? जी बिल्कुल। अब इसमें हम लोग के टर्म में बोलते हैं रेड फ्लैग साइन। उसमें होता है कि अगर बच्चा जो है 18 साल से कम की उम्र में अगर जो कोई कमर दर्द या गर्दन दर्द शुरू होता है, या फिर ओल्ड एज में 50 साल के बाद अगर शुरू होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे उम्मीद रहती है कि हो सकता है कहीं कोई इन्फेक्शन हो या कोई ट्यूमर हो सकता है, तो वहाँ पे हमें सीरियसली लेना है। या फिर अगर जो कोई कमज़ोरी आ जाती है इस दर्द के साथ साथ में, पैर में, हाथ में कहीं कमज़ोरी आ जाती है या कहीं सुन्नपन महसूस होता है, तो हमें उसको सीरियसली लेना होता है।
जैसे कि ये हो सकता है कि आप नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको लगता है कि नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो जाते हैं और वो परेशानी नहीं ठीक हो रही है, तो फिर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कमज़ोरी के साथ अगर लैट्रिन या पेशाब का होल्ड करने में दिक्कत हो रही है तो फिर आपको बिल्कुल भी मतलब समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए और किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर जावेद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से जो ऑफिस गोइंग जनरेशन है उसके साथ ही यंगस्टर जो है वो भी इस प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं, उन्हें भी कमर दर्द की जो समस्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या दिक्कतें हैं जिस वजह से वो ये जो कमर दर्द और गर्दन दर्द की जो समस्याओं से वो जूझ रहे हैं? देखिए, अगर हम कॉजेज की बात करें, वजह की बात करें, तो जो हमारा रीढ़ की हड्डी या स्पाइन जिसको बोलते हैं, उसका जो मेन पार्ट होता है वो वर्टिब्रा होता है, जिसको बोन कह सकते हैं, उसके साथ में डिस्क होती है, लिगामेंट होते हैं, कुछ मांसपेशियां होती हैं और साथ में उसके साइड से कुछ नर्व्स निकल रहे होते हैं, तो जो कॉज होता है इनमें से किसी एक में हो सकता है। कहीं पे अगर वर्टिब्रा में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर काफ़ी मिस यूज या ओवर यूज़ की वजह से कोई डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है जो आगे चल के काफ़ी गंभीर समस्या ला सकता है, पैर में कमज़ोरी और टॉयलेट और पेशाब कंट्रोल करने में दिक्कत, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आती है जब बात ऑफिस एज ग्रुप जो यंग एज ग्रुप होता है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की परेशानी ना हो, तो उसमें सबसे कॉमन होता है एबनॉर्मल पोस्चर जो होता है, जिसकी वजह से ये परेशानी अब काफ़ी कॉमन दिखती है। हम लोग की लाइफ सेडेंट्री है और साथ में अगर काम करने का तरीका गलत है तो ये इस तरह की परेशानी बहुत कॉमन होती है। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि जो हम लोग का पोस्चर है वो किस तरह का होना चाहिए, मेनली क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जो कमियां हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं आजकल की जनरेशन जिसे उस पर ध्यान देना चाहिए और हम उसको क्योर कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को होने से आगे और सीवियर होने से? देखिए, सबसे पहले तो बात आती है फिटनेस को लेके। अगर हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हैं तो जब आप प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग या स्टैंडिंग करते हैं जो मान लिया हमारे प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है, तो पहले मांसपेशियां धीरे धीरे थकती हैं जिसको हम फटीग बोलते हैं, वो अगर जो प्रॉपर रेस्ट मिलता है तो फिर वापस नॉर्मल अगले दिन आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है आपको कि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, मांसपेशियां कमज़ोर हैं, ओवर वर्क हो रहा है, तो धीरे धीरे यही पेन जो है क्रॉनिक हो जाता है, तो उसको फिर जो है किसी एक्सपर्ट से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात ये आती है कि हम ऑफिस में जब रहते हैं तो वहाँ पे क्या क्या करते हैं जिसकी वजह से परेशानी बढ़ सकती है, तो सबसे कॉमन होता है कि जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है जिसमें हम जिस चेयर पे बैठते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ तो होती है कि प्रॉपर बैक रेस्ट। जब आप किसी चेयर पे बैठते हैं तो जब बैठते हैं बगैर बैकवर्ड लीन हुए आपको जो बैक है उस पर रेस्ट मिल जाना चाहिए, और कभी भी एबनॉर्मल टिल्टिंग नहीं करनी चाहिए जो नॉर्मली लोग करते हैं कि थोड़ा सा आगे स्लाइड होके और बैक पीछे रहते हैं, उससे एबनॉर्मल स्पाइन होती है और पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो चेयर्स होती हैं अगर उसमें साइड में हैंड रेल्स नहीं हैं जो जिस पे हैंड रेस्ट होता है तो गर्दन पे उसका असर आता है, गर्दन में दर्द होती है, बहुत कॉमन होता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है अगर जो हम ऑफिस गोइंग पॉपुलेशन को देखें तो कभी कभी होता है कि सामने की तरफ टेबल है और साइड में कंप्यूटर रखा हुआ है, तो लोग ऐसे टिल्ट होके उसको यूज़ करते हैं जो कि सबसे ख़राब पोस्चर माना जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसमें हमारी स्पाइन पे एबनॉर्मल ओवरलोड पड़े। दूसरा होता है कि अगर हम कंप्यूटर पे जॉब कर रहे होते हैं तो लोगों का सबसे कॉमन होता है कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो ड्रॉअर के नीचे होता है, तो अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो नॉर्मली जो हमारा हैंड होता है वो हैंगिंग पोजिशन में होता है जिसका सारा वेट स्पाइन और गर्दन पर ही आता है, तो वो पेन क्रिएट करता है, तो उसमें हम लोग एडवाइस करते हैं कि जो आपकी कीबोर्ड है उसको आप आगे की तरफ रखिए और प्रॉपर हैंड रेस्ट के साथ कीबोर्ड को यूज़ करिए, और जो आपका स्क्रीन है उसको जो है ऐसे प्रॉपर लेवल पे करिए कि आपको स्पाइन को ज़्यादा डाउन या ज़्यादा अप ना करना पड़े, एक प्रॉपर लेवल पे स्क्रीन आए ताकि आप कंफर्टेबली काम कर पाएँ। फिर आता है नंबर की अगर जो हमें ज़्यादा देर तक काम करना है तो क्या करना चाहिए, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको अपनी क्षमता को पहचानना होता है। हर आदमी की अलग अलग क्षमता होती है, कोई आधा घंटा काम कर ले, एक घंटा काम कर ले, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ को लगता है कि नहीं, हम 15 मिनट काम कर रहे हैं और हमारे गर्दन में स्टिफनेस शुरू हो गया, बैक में पेन शुरू हो गया, तो उसका सबसे सही तरीका होता है कि जब भी आपको ऐसा लगे उससे पहले ही आप चेयर छोड़ दें, 2 मिनट के लिए टहल घूम लें, कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं
थोड़ा सा मोबिलाइजेशन बताया जाता है वो करें, आपको जो है फिर वापस आके आप काम कर सकते हैं। खड़े होकर अगर लगातार काम करना है तो एक पोजीशन में ना खड़े हों, थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर लें, एक पैर पे रेस्ट ले लें, दूसरे पैर को किसी फुट रेस्ट पे रख लें थोड़ा ऊँचा करके, फिर थोड़ी देर के बाद अपोजिट को कर लें। तो इस तरह से करने से आपको वही काम आप ज़्यादा देर तक कर पाएंगे बिना किसी स्पाइन को दिक्कत हुए। तो ये आपने जाना कि किस तरह से क्यों प्रॉब्लम होती है और आप किस तरह के पोस्चर्स का इस्तेमाल करें इससे बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम लोग ऑफिस गोइंग है तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो ऑफिस में ही गुजरता है, या स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनका स्कूल में चला जाता है, तो जो विटामिन डी की एक कमी आती, क्या इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम सीवियर होने के चांसेस है और इससे किस तरह से क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल, सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है यंग एज में कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो हमारा वर्किंग कल्चर है या हमारा जो डाइट है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है, खास करके विटामिन डी। और अगर जो हम इंडोर काम कर रहे होते हैं तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती तो उसकी सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि जो कैल्शियम हमारी डाइट का है वो एब्जॉर्ब नहीं होता और हमारी बॉडी में जाता नहीं है। तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि जो बॉडी के अंदर का कैल्शियम है वो यूज़ होने के लिए जो इसेंशियल्स होते हैं, जैसे मांसपेशियों में काम करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, वो बोन से वापस ब्लड में आने लगता है, जिससे आपको बोन पेन होती है, बैक पेन और स्पाइन पेन बहुत कॉमन हो जाती है इसमें। तो इस तरह की अगर ज़रूरत है तो ऐसे तो रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप ऐसे ही विटामिन डी सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि विटामिन डी अगर जो आप अनमेजर्ड सप्लीमेंट लेते हैं जिसको आप टाइट्रेट नहीं करते हैं तो कभी कभी टॉक्सिसिटी हो जाती है। टॉक्सिसिटी का अपना एक अलग नुकसान है, उसमें जो है साइकोसिस तक के सिम्टम आ जाते हैं। तो किसी डॉक्टर की सलाह के साथ ही आपको लेना चाहिए सप्लीमेंट, और उसमें हम लोग की राय यही होती है कि पहले विटामिन डी का लेवल चेक किया जाए और उसके अकॉर्डिंग जो है सप्लीमेंट दिया जाए। डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम रहती है, उसी के साथ ही चक्कर आने भी उनके जो एक समस्या बन जाती है उनके अंदर भी, कि अगर वो हल्का सा मूव करते हैं या कोई सामान जैसे नीचे झुक के उठा के एकदम से खड़े हुए तो एक जो चक्कर आने लग जाते हैं, उसको उससे वो किस तरह की प्रॉब्लम होती है? जी बिल्कुल, खास करके सर्वाइकल स्पाइन की ओल्ड एज में या 40s के बाद में अगर जो बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन के साथ में एक वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है कि आप गर्दन मूव करते हैं या पोस्चर चेंज करते हैं तो चक्कर होता है। तो अगर ऐसी परेशानी होती है तो उसमें मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक बार किसी ENT और न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लिया जाए। कुछ एंटी वर्टिगो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको हम लोग करते हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है, काफ़ी बेनिफिट मिलता है, और साथ में कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं। तो ये तो बात हो गई यंगस्टर्स की जो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं और उनको तो ये समस्याएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। साथ ही कहते हैं कि हमारे सोने के पोस्चर्स पे भी मैटर करता है कि हमारे जो स्पाइन की प्रॉब्लम है और इसके दर्द है वगैरह, आजकल ये भी होता है कि नस दब जाती है, कहते हैं कि आपकी नस दब गई है। तो ये सब चीज़ें किस एज में ज़्यादा होती है और ओल्ड एज में आके जो ये ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो वो किस तरह से इसको क्योर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो अभी आप नस दबने की बात करें उसको लोग अलग अलग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, कोई कहते हैं डिस्क बढ़ गया है, कोई कहते हैं हड्डी बढ़ गया है, कोई कहता है कि नस दब गई, तो इसको बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स। जो डिस्क प्रोलैप्स होता है वो अगर यंग एज में बात करें तो कुछ एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से हो सकता है या हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से हो सकता है, ओल्ड एज में कभी कभी अपने आप भी हो जाता है। तो इसमें अगर जो सीवियरिटी ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होता है कि किसी एक तरफ पैर में सुन्नपन होता है या झंझनाहट का दर्द होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, वीकनेस तक आ जाती है, तो जिसको कॉमन टर्म में लोग साटिका बोलते हैं। तो उसमें फिर आपको कुछ एडवांस इन्वेस्टिगेशंस जैसे MRI होता है वो करवाने की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, साथ में कुछ इसमें फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस का काफ़ी रोल होता है। तो ये तो हम लोग ने जान लिया कि किस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो एक बेसिक घर पे रह के अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हमें चीज़ों से जो हमारी नॉर्मल प्रॉब्लम है उससे अगर हम क्योर कर सकें, उसका उपचार कर सकें, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, अब हमने इसमें सबसे पहले शुरुआत में बताया था आपको जो रेड फ्लैग साइन है, अगर कहीं पैर में सुन्नपन या झंझनाहट इस तरह की चीज़ है और पैर में वीकनेस है या लैट्रिन पेशाब में कंट्रोल में दिक्कत है, तब तो फिर आपको होम बेस नहीं करना चाहिए,
उसको फिर आप किसी ना किसी एक्सपर्ट, जैसे अलग अलग फील्ड में होते हैं, ऑर्थोपेडिशियन भी इसको मैनेज करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी मैनेज करते हैं, और हम लोग एज ए रिहैब स्पेशलिस्ट जो है इसी को देखते हैं, तो उसमें उनसे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर जो नॉर्मल सा दर्द है या कमर दर्द है जो कहीं रेडिएट नहीं हो रहा है, तो आप घर पे कुछ गुनगुनी सिकाई कर सकते हैं और साथ में कुछ पेन किलर मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं। लेकिन फिर भी एडवाइस यही रहेगा कि आप एक बार अगर किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लें, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी परेशानी हो जो हमें लेट में पता चले और दिक्कत और बढ़ जाए। इन चीज़ों के बचाव क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम इन चीज़ों से क्योर कर, मतलब बीमारी की तरफ बढ़ने से पहले ही हम बचाव कर लें? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, पोस्चरल केयर कहते हैं, जिसमें कैसे काम करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। उसके साथ साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फिटनेस के लिए एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसे अगर आप किसी से बोलेंगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक वॉक का हैबिट डालिए। अगर एक घंटे आप नॉर्मल वॉक कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बैक पेन, स्पाइन पेन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ आती हैं एक्सरसाइजेज जैसे ब्रिजिंग कहते हैं, ब्रिजिंग एक्सरसाइज, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे किया जाता है। वो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो मैंने देखा है उसमें साइड इफेक्ट कम होते हैं, नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई एक्सरसाइज आपको करनी है तो बेहतर हो किसी एक्सपर्ट से आप एक बार ओपिनियन ले लें कि आपके हिसाब से एक्सरसाइज, क्योंकि स्पाइन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, एकदम बेसिक से लेकर शुरुआत में जो एकदम बेड रिडन पेशेंट हैं उनसे करने के लिए, या बहुत वीक पेशेंट हैं उनको करने के लिए, और एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है उसकी एक्सरसाइजेज, उसमें बहुत सारा अंतर है। इस बीच में हम लोग कई कैटेगरी बना के कर सकते हैं एक्सरसाइजेज, तो आपके लिए कौन सी फिट है ये एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि हैवी वेट उठाने से या फिर आपका जो पोस्चर ठीक नहीं होता है उस वजह से होता है, तो ये पोस्चर्स किस तरह से, क्या ऐसा हैवी वेट कौन सा नहीं उठाना चाहिए, अगर जो लोग जिम कर रहे हैं उन्हें कौन से हैवी वेट्स नहीं उठाने चाहिए, या कौन सा ऐसा पोस्चर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है? देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी क्षमता को पहचानना। हर आदमी की अलग अलग क्षमता होती है। अगर जो कोई आदमी ये उसको लगता है कि हम 20 किलो से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते, और वो बॉडी बिल्डिंग के लिए 30 किलो का वेट लेके बॉडी बिल्डिंग शुरू करता है, तो उसे परेशानी हो सकती है। और कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि वो 50 किलो का वेट लेके चला जाए, उसे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमें अपनी क्षमता पहचाननी है, और दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर जो हमारी कोई काम ऐसा पड़ रहा है जिसमें हमें वेट उठाना ही पड़ रहा है, तो वेट उठाने में बॉडी के जितने पास से वेट आपको लेके कहीं ट्रांसफ़र करेंगे वो सबसे बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स काम करता है, टॉर्क। अगर बॉडी के से दूर वेट होगा तो स्पाइन पे बहुत ज़्यादा लोड लगेगा। तो अगर हमें कुछ सामान लेके जाना है तो बॉडी के जितने करीब रहेगा वो सामान, वो स्पाइन पे उतना कम लोड डालेगा। तो ये आपको बताया डॉक्टर जावेद अहमद ने कि किस तरह से बॉडी वेट आपका जो स्पाइन पर आपका असर कम पड़े, इसके लिए आप किस तरह से आप जो वेट है वो कैसे उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनसे कि आजकल महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनकी तो बोन्स, वैसे भी कहते हैं बोन डेंसिटी उनकी 30 के बाद कम होने लग जाती है, लेकिन जो हाउस होल्ड वुमेन्स भी होती है, साथ ही वर्किंग भी होती हैं, उनको किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उनमें किस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर देखने को मिलती है? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हम लोग भी इसको काफ़ी देखते हैं अपने जो पेशेंट कंसल्टेशन में। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती होने की वजह ये होती है एबनॉर्मल पोस्चर। जैसे अगर हमें काम करना है तो किचन में लगातार डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे आप लगातार खड़े हैं, तो उसका हम तरीका ही बता दें कि अपनी क्षमता को पहचानिए। अगर आपको लगता है कि एक घंटे से ज़्यादा देर हम खड़े रहेंगे तो हमें परेशानी हो सकती है, पेन हो सकता है, तो काम ख़त्म करने से ज़्यादा ज़रूरी कि थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए आप रेस्ट ले लें, पास में चेयर रखें। अगर बीच में मौका मिलता है कोई ऐसा काम हो रहा है कि जिसमें आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो मॉपिंग और सफाई के लिए कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हम करते हैं तो हमें दिक्कत होती है। उसके तरीके ये होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं कि जैसे जो झाड़ू होते हैं वो लंबे हैंडल के होते हैं ताकि आपको ज़्यादा झुक के ना लगाना पड़े, और जो वाइपर से होते हैं उनके लंबे हैंडल होते हैं ताकि आपको झुक के ना काम करना पड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, सब जगह पे यही लागू होता है कि अगर आपको लगता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, वो 10 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, या 1 घंटा हो सकता है, अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा हम करेंगे और दिक्कत हो सकती है, तो ज़बरदस्ती वो काम ख़त्म करने से बेहतर है कि आप पहले थोड़ी देर अपने आप को रेस्ट दें, 5 मिनट, या जब भी आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं फिर वापस आप वो काम कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि आपको परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि फिर आप जब हमारे पास आओगे तो उसे ठीक करने में दिक्कत होगी। आजकल जिस तरह से बिजी लाइफ है सबकी और जिस तरह से काम वर्क लोड ओवर हो रहा है, वहीं लोगों के अंदर जो अपने आप को फिट रखने का एक थोड़ा सा वो है, वो कहीं ना कहीं मोरल उनका डाउन हो जाता है, ओवर ईटिंग हो जाती है, इसको लेकर भी क्या ये स्पाइन का पेन और इससे कुछ रिलेट करता है? बिल्कुल, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कॉज है जिसमें कमर दर्द कॉमन होती है, क्योंकि जो आपका एक्सिस होता है बॉडी का, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ से जा रही होती है, वो शिफ्ट हो जाती है अगर हमारा बॉडी वेट है। या हम कह सकते हैं एक चीज़ और हो सकती है जो हमारा फिजियोलॉजिकल होता है वुमेंस में, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में होता है कि जो टर्म प्रेगनेंसी होती है उसमें आप बॉडी वेट जो है काफ़ी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो उस कंडीशंस में लिस्थेसिस जैसी परेशानी होती है जिसमें स्पाइन की जो डिस्क होती है, बोन्स होती हैं, वो सरक जाती हैं और काफ़ी सीवियर दर्द होता है, नर्व इम्पिंजमेंट हो सकता है, पेन हो सकता है। तो उस कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए यही होता है कि आप पहले भी एक्सरसाइजेज शुरू कर दें ताकि वो समस्या आए ही ना। स्पाइन की प्रॉब्लम हो ही ना, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपने आप को कम से कम 24 घंटे में 1 से 2 घंटे अपनी बॉडी के ऊपर दें, जिसमें सबसे अच्छा होता है कि आप 5 किलोमीटर या 1 घंटे की वॉक और कुछ फिटनेस एक्सरसाइजेज जो आपकी बॉडी के अप्रोप्रिएट हों, ओवर एक्टिव ना हो, ओवर एक्सरसाइजेज ना हो, वो आप करें। तो ये मतलब सर्वे में आया है कि जो लोग फिट रहते हैं, एक्सरसाइजेस करते रहते हैं रेगुलर, उनको इस तरह की पेन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये हमने जाना कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल की यंगस्टर्स, महिलाएं हो या ओल्ड एज वाले हो, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कमर गर्दन दर्द के बारे में हमें डॉक्टर ने बताया। तो आगे बढ़ते हैं और उनसे ये जानते हैं कि डॉक्टर, अगर ये जो प्रॉब्लम्स है वो जो लोग भी फेस कर रहे हैं, वो किनसे जाके इस बारे में एडवाइस ले, जैसे आपने एक्सपर्ट की बात करी है कि आपको एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, तो किस तरह के एक्सपर्ट्स हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए और कैसे वो कंसल्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो यही है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि 70% लोग बहुत ही कम दवाओं से या अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो परेशानी ये होती है कि अगर जो 2 से 3 हफ्ते बीत गए और आपको परेशानी नहीं साल हुई, या अगर आप पहले आ सकते तो सबसे अच्छी बात है, तो उसमें हमारी एडवाइस यही होती है कि अगर आपकी रीच में कोई रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, जिसको हम PMR बोलते हैं, वो है, तो सबसे सटीक इलाज और सबसे बढ़िया इलाज हो सकता है आपका। उसके बाद आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो फिर किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास भी जा सकते हैं, और अगर आसपास में ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर किसी जनरल फिजिशियन से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही घूम फिर के आती है कि अगर 2 से 3 हफ्ते की ड्यूरेशन बीत जाती है, आप किसी के भी पास हैं, और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है या प्रॉब्लम बढ़ रही है, बहुत सारी परेशानियाँ हमने बताई थी कि अगर जो सुन्नपन है, वीकनेस है और कोई रेडिकुलोपैथी है, तो उसमें फिर आपको घर पर बैठना नहीं है या किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जानने की कोशिश करनी है और वहाँ पर आपको अपना इलाज पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, साथ ही हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातों की जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे हमारे खास शो हेल्थ मंत्रा में एक नए विषय और उसके समाधान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ।